नमस्कार, सविता शर्मा किचन में आपका स्वागत है। गर्मियों का मौसम आ गया है, आम आ गया है, तो आइए कुछ हम आम का बनाते हैं। कोई आम का अचार बनाता है, आम का पन्ना बनाता है। आम का पन्ना देखना हो तो आप मेरे चैनल पे जाइए, आपको आम पन्ना भी मिलेगा। तो आज हम आम की आइसक्रीम बनाते हैं। सिर्फ तीन ही चीज़ों से बनाएंगे, जिसमें हमने सिर्फ दूध, चीनी और आम को ही यूज़ करा है। उसको गाढ़ा करने के लिए हमने ना कॉर्नफ्लोर यूज़ किया है, ना हमने मैदा यूज़ किया है। तो आइए हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। आइसक्रीम का टेक्सचर देखिए कितना अच्छा आया है, कितनी क्रीमी बनी है और इसमें कोई भी आइस क्रिस्टल्स नहीं है। मैंगो आइसक्रीम के लिए आप मैंगो लेंगे। मैंगो आपका पीला और लाल होना चाहिए, एकदम पका हुआ होना चाहिए। देखिए जैसे मैंने लिया है बिल्कुल वैसे ही होना चाहिए। तो आइए अब हम आम को छील लेते हैं। मैंने आधा लीटर दूध लिया है, तो उसके लिए मैंने एक ही आम लिया है। अगर आपके दूध की क्वांटिटी ज़्यादा हो तो आप ज़्यादा आम भी ले सकते हैं। आम मेरा छील चुका है, अब इसके छोटे छोटे पार्ट अब हम कर लेते हैं, इसको काट लेते हैं। अब आम को हम काट रहे हैं, आम हमारा कट चुका है। अब इसका पल्प बना लेते हैं मिक्सी के जार में डाल के। सारा आम मैंने मिक्सी के जार के अंदर डाल दिया है। बहुत ही स्मूथ इसका पेस्ट बन के तैयार हो गया है। ये देखिए इसका टेक्सचर कितना अच्छा आया है। अब इसको एक स्ट्रेनर की सहायता से अब हम इसको छान लेते हैं, ताकि इसमें कोई गुठली हो, कोई रेशे हो, तो वो हमारे स्ट्रेनर में ऊपर ही रह जाएंगे। तो देखिए अब हमने छानना इसको शुरू कर दिया, नीचे इसका पल्प निकल रहा है, कितना अच्छा स्मूथ एकदम। ये देखिए टेक्सचर देखिए इसका कितना अच्छा आया है, एकदम स्मूथ हो जाएगा इसका पेस्ट। जितना आप पल्प लेंगे उतनी आप चीनी लेंगे। आप पल्प को एक बार टेस्ट कर लें, अगर आपका खट्टा है तो चीनी आप थोड़ी सी ज़्यादा भी ले सकते हैं। आपने अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन भी दबाना, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। एक भारी तले का बर्तन लेंगे, चाहे अल्मीनियम का हो या लोहे का हो, जिसमें आपका दूध लगे नहीं। मैंने आधा लीटर दूध लिया है, फुल क्रीम दूध है। अब इसको हम बराबर चलाते रहेंगे, इसको हम छोड़ेंगे नहीं, नहीं तो ये तली में लग भी सकता है। दूध में कितना अच्छा उबाल आ गया है, और इसकी मलाई को हम इसी के अंदर मिक्स करते रहेंगे। मलाई मिक्स होती जा रही है। इसके अंदर ना हमने कॉर्नफ्लोर डाला है, ना हमने इसके अंदर मैदा डाली है। इसको गाढ़ा करने के लिए हमने कुछ भी नहीं डाला है, सिर्फ हम दूध से ही बनाएंगे। दूध, चीनी और आम, तीन चीज़ हमने यूज़ करी है। पहले दूध इतना था और अब देखिए इतना रिड्यूस हो चुका है। पंद्रह मिनट हो चुके हैं, दूध रिड्यूस हो गया है। अब हमने इसके अंदर चीनी डाल दी है, और चीनी डाल के इसको मिक्स कर देंगे और दूध को छोड़ेंगे नहीं, नहीं तो ये जल जाएगा। और 5 मिनट इसको हम चीनी को डाल के इसको चलाते रहेंगे। अब हम थोड़ा सा अपने पल्प को भी पका लेते हैं, क्योंकि पल्प के अंदर भी पानी होता है थोड़ा सा, हल्का सा। तो पल्प को सिर्फ हमने 5 मिनट ही पकाया है इसको, इसको ज़्यादा नहीं पकाना, नहीं तो बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा। ये पल्प हमारा पक के तैयार हो गया, और देखिए इसका ऐसा टेक्सचर होना चाहिए। बस इससे ज़्यादा हमें नहीं पकाना इसको। अब इसको हम रूम टेम्परेचर पे ठंडा करा हमने दूध को भी और आम के पल्प को भी। जिस जार में हमने पल्प बनाया था उसी में हमने दूध डाल दिया है, और उसी में अब हमने पल्प भी डाल दिया है। अब इन दोनों को डाल के अब हम मिक्सी में एक बार ग्राइंड कर लेंगे। एयर टाइट कंटेनर में अब हम सारे मिक्सचर को डाल देंगे। ये देखिए हमने सब डाल दिया इसके अंदर। और इसको अब हम थोड़ा सा टैप कर लेंगे। अब हम इसको टैप कर रहे हैं, ताकि इसमें जो एयर बबल्स हो वो भी इसके अंदर भर जाए। और अब इसको हम चम्मच से एकदम स्मूथ कर देते हैं। अब एक बार और हम इसको टैप कर लेंगे, ताकि कोई गैप होगा तो वो भी भर जाएगा। अब इसमें आइस क्रिस्टल नहीं जमे, उसके लिए मैंने फॉइल पेपर लिया है। मैंने इसको डबल किया है, आप इसको सिंगल भी लगा सकते हैं।
इसको कवर कर दिया है फॉइल पेपर के साथ और इसके ऊपर अब मैंने ढक्कन लगा दिया है। अब इसको 10 से 12 घंटे के लिए हम फ्रिज में रख देंगे। तो आइसक्रीम बनके तैयार हो गई है। तो आइए अब हम इसको एक बोल में निकाल लेते हैं। आइसक्रीम का टेक्सचर देखिए कितना अच्छा आया है, कितनी क्रीमी बनी है और इसमें कोई भी आइस क्रिस्टल्स नहीं है। सिर्फ 3 ही चीज़ों से मैंने बनाई है, दूध, चीनी और आम से। तो आप भी इसको बनाइए। आप मेरी तरह मैंगो आइसक्रीम बनाना और बहुत ही क्रीमी और बहुत ही अच्छी बनेगी। आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपकी आइसक्रीम कैसी बनी है और आप कैसे बनाते हैं, वो भी मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं हम एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।